आनंद मार्ग प्रचारक संघ द्वारा दो दिवसीय धर्म महासम्मेलन का समापन हो गया। महासम्मेलन के दूसरे दिन प्रभात फेरी, पांच जन्य एवं योग प्रशिक्षण के बाद सामूहिक प्रभात संगीत, कीर्तन, ध्यान, साधना, स्वाध्याय के बाद भारतवर्ष के सैकड़ों जिले से आए हुए भक्ति प्रधान एबीसी में बर तात्विक आचार्य एवं हजारों साधकों के बीच आनंद मार्ग के जनरल सेक्रेटरी आचार्य चित्त स्वरूपानंद अवधूत अपने केंद्रीय समिति के सदस्यों के साथ आनंद मार्ग प्रचारक संघ द्वारा भारतवर्ष में हो रहे सेवा कार्यों की समीक्षा कर नए सेवा कार्यों लिए टीम गठित किया गया। इस मौके पर भारतवर्ष में सामाजिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक समस्याओं के समाधान के लिए विचार प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में आनंद मार्ग प्रचारक संघ से जुड़े अनुयायी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए केंद्रीय प्रचारक सत्य आश्रय नंद अवधूत ने बताया, समय में बताना संभव नहीं है, इसी के लिए हम लोग का सेमिनार क्लास होता है, उस ऑर्गेनाइजेशनल क्लास होता है। आप लोग इंटरेस्ट लेकर के वहाँ जो ट्रेनर जाते हैं उनके माध्यम से संस्थागत जानकारी दे। वहाँ पर केंद्रीय कार्यकर्ता लोग हैं, अपने अपने हिसाब से की पॉइंट आपके सामने लाए हैं, उस बातों पर हम लोग को ध्यान रखना है। किसी भी संस्था को चलाने के लिए शुरू में ही बता दिया है, मैं उसको बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, बताना चाहता हूँ। अभी हम लोग पर्यावरण का अवस्था को देख रहे हैं और जिसका कहर आज बरप रहा है समाज में, हम ये जो जीव और पौधा, पेड़ पौधा, इसकी रक्षा के लिए हम लोग को बहुत ही सजग होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। काफी सजगता के साथ जितना हो सका किया गया वहां पर। तो मेरा कहने का मतलब है ये पिकअप हमारे भुक्ति लेवल तक, हमारे यूनिट लेवल तक ये बात हो इसका, और हर एक क्षेत्र में इसको काम करने की आवश्यकता है। मैं इतना ही कहूंगा, सभी दादा लोग बहुत ही आवश्यक। मैं आचार्य सत्याश्रय आनंद अवधूत, धर्म प्रचार सचिव, केंद्रीय धर्म प्रचार सचिव, आनंद मार्ग प्रचारक संघ, आनंद मार्ग प्रचारक संघ के धर्म प्रचार विभाग के द्वारा धर्म महासम्मेलन का आयोजन इस गोरखपुर की धरती में, पुण्य धरती में रखा गया, जो 12 और 13 अक्टूबर को ये अभी चल रहा है, जिसका समापन होना है। इसका उद्देश्य आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च, जो हमारा आदर्श है उसको लेकर चलना है। धर्म का प्रचार हो, धर्म का प्रसार हो, उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और कल शहर में कीर्तन शोभा यात्रा निकाली गई, बाबा नाम केवलम महामंत्र को, अष्टाक्षरी सिद्ध महामंत्र को गाया गया। और कल आनंद मार्ग प्रचारक संघ के पुरोधा प्रमुख श्रद्धेय विश्वदेवानंद अवधूत जी ने नाम और नामी विषय पर प्रवचन दिया। संध्या काल में उनके प्रवचन का विषय था कि ईश्वर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, वे सब कुछ जानते हैं, वे जगत त्राता हैं। और आनंद मार्ग के प्रवर्तक भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी हर मनुष्य के मन में क्या चल रहा है, कैसे उनका दिल स्पंदित हो रहा है, इसकी भी सूचना उनके पास है। वे सब कुछ देख रहे हैं, वे सब कुछ के साक्षी हैं। विनम्र निवेदन है कि आप सब आनंद मार्ग प्रचारक संघ को जानें। यह सनातन धर्म, मानव धर्म और आत्म तत्व को उपलब्ध कराने के रास्ता को बताता है, पथ को बताता है, और वह पूरा वैज्ञानिक रास्ता है, योग का पथ है, अष्टांग योग का पथ है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का पथ है। आइए आप सब सीखें, जानें। ये सब कार्य आनंद मार्ग के हजारों सन्यासी, सन्यासिनी, आचार्य गण तात्विक प्रचार में लगे हैं, सबकी सेवा करने के लिए निःशुल्क इसकी शिक्षा दे रहे हैं। कृपया आप आएँ, आगे बढ़ें। और यहाँ अखंड कीर्तन जो 48 घंटे का चल रहा है, इसका समापन भी अष्टाक्षरी सिद्ध महामंत्र बाबा नाम केवलम का, ये समापन भी शाम 4 बजे होना है। तो आप सब खूब बाबा नाम केवलम कीर्तन गाएं, ये सिद्ध महामंत्र है। मनुष्य के जीवन का जो भौतिक, मानसिक और आत्मिक स्तर की जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करने का ये रास्ता है। इसलिए कहा गया, बाधा विदूरकम बाबा नाम केवलम, वात रोग नाशनम बाबा नाम केवलम, चिंता विदूरकम बाबा नाम केवलम, आनंददायकम बाबा नाम केवलम, साधना सहायकम बाबा नाम केवलम, और अंत में मोक्ष मुक्तिदायकम बाबा नाम केवलम। सबका कल्याण हो, सबका सब समृद्धि की ओर आगे बढ़े, रिद्धि की ओर आगे बढ़े, सिद्धि की ओर आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच।